प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा Facebook पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 23 अक्टूबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद शनि के रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। शनि लगातार अच्छा फल करेंगे। कौन कौन सी राशियों पर अच्छा फल करेंगे इसकी जानकारी मैंने दी है कि मेष राशि और वृष राशि दोनों के लिए मैदान खाली है, जितना कमाना चाहते हो कमा सकते हो, ऐसी जानकारी मैंने आपको दी और मैंने सोचा इसको डिटेल जानकारी दी जाए। मिथुन राशि वालों अपना समय नोट कर लो, कौन कौन से महीने में आपको सावधानी बरतनी है और कौन कौन से महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है वो मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। 9 ग्रहों में राहु और केतु एक राशि पर डेढ़ डेढ़ साल रहते हैं। बृहस्पति अप्रोक्सीमेट 12 महीने से 13 महीने और शनि 2.5 साल के आसपास एक राशि पर रहता है। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएगा। मार्गी होने का मतलब आगे की तरफ चलेगा। ग्रह तो आगे की तरफ ही चलते हैं सभी, लेकिन उसकी जो चाल है वो आगे की तरफ होगी, उसका फल अच्छा होगा। शुभ ग्रह जब मार्गी होता है वो भी अच्छा फल देता है, अशुभ ग्रह मार्गी होता है वो अच्छे भावों का स्वामी होता है तो अच्छा फल करता है। 17 जनवरी को शनि अगली साल 2023 में राशि परिवर्तन करेगा और अपनी कुंभ राशि के अंदर चला जाएगा और वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। स्टार्टिंग में जबरदस्त फल देने वाला है और 30 मार्च 2025 तक फिर लगातार शनि अच्छा फल देगा। बीच बीच में अस्त भी होगा क्योंकि सूर्य एक साल के अंदर अपना चक्कर लगाता है तो सूर्य के साथ उसकी युति तो होगी, क्योंकि सूर्य जब कुंभ राशि में आएगा तो उस समय युति करेगा तो एक महीना तो खराब रहेगा, उस समय तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब मकर संक्रांति आती है तो सूर्य मकर राशि में रहता है जनवरी से फरवरी, और फरवरी से मार्च के अंदर कुंभ राशि में रहता है तो वो 14 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में यहां पर वो अस्त होगा। जब अस्त होगा तो उसके फल में कमी आएगी। वो एक महीना आप नोट कर लें मिथुन राशि वालों। राहु केतु, राहु और केतु, राहु मेष राशि के अंदर चल रहे हैं। राहु 2023 नवंबर तक चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो मेष राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब अप्रैल 2023 से लेकर के और नवंबर 2023 के बीच के अंदर गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी का समय आपके लिए पॉजिटिव है तो मीन में बृहस्पति चेंज हो जाएगा, मेष में जाएगा अप्रैल में
अगली साल यानी 2023 में। लेकिन राहु भी 11 भाव में अच्छा फल करता है और बृहस्पति भी अच्छा फल करता है, लेकिन गुरु राहु का चांडाल दोष और पितृ दोष का प्रभाव तो रहने वाला है। तो यहां आप पुखराज पहन के रखेंगे और राहु के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, मृत्यु स्थान में है। 17 जनवरी तक आपके लिए कष्टकारी पीरियड है। 17 जनवरी के बाद में फिर शनि देव मूव करके आपके भाग्य स्थान पर आपका भाग्य उदय करने का योग बनाएंगे। फिर 2025 मार्च तक लगातार अच्छे चलेंगे, यानी पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। केतु की स्थिति तटस्थ संतान भाव पर रहेगी, संतान के लिए चोट एक्सीडेंट दुर्घटना कारक है। और बृहस्पति मेष राशि में बदल जाएंगे आकर के, उसके बाद वो 2025 के अंदर वृष राशि के अंदर उसका मूवमेंट रहेगा। तो यहां बृहस्पति का नग पुखराज आप पहन सकते हैं और शनि का नीलम नग आप पहनना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2023 के बाद आप पहन सकते हैं। तो इसका मतलब आपको अभी 17 जनवरी 2023 तक थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है और उसके बाद जब गुरु राहु का चांडाल योग उस समय बनेगा अप्रैल 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक, यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ये था मिथुन राशि का फल। शनि आपके लिए काफी अच्छा है, अगली साल से बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें प्लानिंग कर सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और आपको बता देता हूँ मैं 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर बंबई में और 7 अक्टूबर को अमृतसर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिल सकते हैं। और बंबई का मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 2670-7930, मोबाइल नंबर 9821-1442।